दोस्तों आप अमर हो सकते हो अगर आपके अंदर जानवरों की बस ये एक कैपेबिलिटी आ जाए तो। अब यहाँ पर ना तो हम लोग उनके शिकार करने की कैपेसिटी की बात कर रहे हैं और ना ही उनके कम इंटेलिजेंस पावर की, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट हाइबरनेशन। हाइबरनेशन ये शब्द सुनते ही दिमाग में लगता होगा कि इस प्रक्रिया के दौरान बस जानवर कुछ महीनों के लिए सो जाते हैं और वापस से बाहर आकर एक्टिव हो जाते हैं। बट यू माइट बी शॉक्ड टू नो कि हाइबरनेशन इतना सिंपल नहीं है जितना आप समझा करते हैं। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है जिसको आज जेनेटिक साइंस के इतने सालों की तरक्की के बाद भी हम डीकोड नहीं कर पाए हैं, और जिस दिन हम लोग इस प्रक्रिया को अच्छे से समझ जाएंगे ना, उस दिन हमारे लिए इंटरस्टेलर ट्रैवल और इमोर्टैलिटी सिर्फ चुटकियों का काम रहेगा। तो आखिर क्या है ये हाइबरनेशन, जानवर इसे कैसे परफॉर्म करते हैं, इस प्रक्रिया के दौरान उन पर क्या बीतती है, एंड लास्टली क्या हम इंसान हाइबरनेट कर सकते हैं, और अगर नहीं तो क्यों नहीं। वेल आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों बेसिकली हाइबरनेशन को अगर सिंपली डिफाइन करना हो तो हाइबरनेशन वो प्रोसीजर होता है जिसमें विंटर्स को सरवाइव करने के लिए कुछ स्पेसिफिक जानवर एक लंबी नींद में बिना खाए पिए चले जाते हैं। बड़सली मिस्ट्री तो इसके बाद से शुरू होता है। नाउ फॉर एग्जांपल, केवल कुछ ही जानवर हाइबरनेट क्यों होते हैं जबकि सर्दी तो कहीं ना कहीं सबको लगती है? तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा इन डेप्थ बायोलॉजी में जाना होगा। देखो दोस्तों, इस दुनिया में ना दो तरह के जानवर होते हैं, एक तो है एंडोथर्मिक और दूसरे एक्सोथर्मिक। अब जो एंडोथर्मिक जानवर होते हैं ना, जिन्हें वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं, ये सराउंडिंग्स के हिसाब से अपने शरीर में इंटरनल हीट को जनरेट करने के केपेबल होते हैं, जिस वजह से माहौल के अनुसार ढलने में इन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। मगर दिक्कत आती है एक्सोथर्मिक एनिमल्स के साथ, जिनका शरीर इंटरनल हीट जनरेट करने में केपेबल नहीं होता है, जिस वजह से उन्हें एक्सटर्नल सोर्सेज जैसे कि सूरज की रोशनी के सहारे ही जिंदगी बितानी पड़ती है। अब देखो, मोस्टली हर जानवर को उसके बॉडी टेम्परेचर में एक बैलेंस की जरूरत होती है। जैसे कि टर्टल का एग्जांपल ही देख लीजिए, जो एक ऐसा एक्टोथर्म या एक्सोथर्मिक एनिमल है जिसे जब गर्मी की जरूरत होती है तो वो समुद्र के बाहर धूप सेकने आ जाता है, मगर जब उसकी बॉडी जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाती है ना, तो वो वापस से समुद्र के अंदर भाग जाता है, जिससे कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहे। अब यही कंडीशन गर्मी के मौसम में तो फुलफिल करनी आसान होती है, क्योंकि गर्मियों में एक्टो थर्म सूर्य की रोशनी से अपना टेम्परेचर बैलेंस कर लेते हैं और सफिशियंट हीट रिसीव कर लेते हैं। मगर जब सर्दियां आती है तो एक्टोथर्म्स के लिए उनका हीट का सबसे मेजर सोर्स इनएक्टिव, या यूं कहें कि उतने असरदार स्टेज पर नहीं रह जाता कि उनका नॉर्मल फंक्शनिंग सस्टेन हो पाए। और इसीलिए रेप्टाइल्स सर्दियां आते ही एक ठीक ठाक गर्म जगह ढूंढते हैं और सर्दियों का मौसम आते ही उस जगह पर जाकर तब तक के लिए सो जाते हैं जब तक कि क्लाइमेट चेंज ना हो जाए, और इसी प्रोसीजर को ब्रूमेशन कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ब्रूमेशन, नॉट हाइबरनेशन। अब अगर आप इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए तो पहले ही बता दूं कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं है, बल्कि इन दोनों प्रोसीजर में बस अंतर इतना सा है कि अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से रेप्टाइल्स या फिर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स उस लंबी नींद में चले जाए तो उसे ब्रूमेशन कहा जाता है, जबकि अगर वही सेम चीज मैमल्स या वार्म ब्लडेड एनिमल्स करे तो उसे हाइबरनेशन के नाम से जाना जाता है। अब आप जितने भी रेप्टाइल्स के बारे में सोचेंगे, चांसेस है कि उनमें से सब के सब ब्रूमेशन करते होंगे। नाउ फॉर एग्जांपल, सांप की ही बात कर लेते हैं, तो सांप भी ब्रूमेट करते हैं। अब यही चीजें मेंढक और कछुए के अंदर भी पाई जाती है, और ऐसे ढेर सारे एक्टोथर्म्स हैं जो इस प्रक्रिया के थ्रू गुजरते हैं। अब दोस्तों, ये तो बात हो गई एक्टोथर्म्स की, जिनका ऐसे किसी नींद में जाने का रीजन जेन्युइन भी है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जब मैमल्स इंटरनल हीट को जनरेट कर लेते हैं और एंडोथर्म्स होते हैं, तो फिर उन्हें विंटर सर्वाइव करने के लिए ये कदम क्यों उठाना पड़ता है? वेल, द सिंपल रीजन इज टू कंजर्व एनर्जी टू सर्वाइव एडवर्स वेदर कंडीशन और लैक ऑफ फूड। देखो, जब विंटर्स आते हैं तो वाइल्ड फूड अवेलेबिलिटी काफी कम हो जाती है, अब ये बात तो हम सभी जानते हैं, मगर एक्टिव ऑर्गेनिजम्स अगर अपनी डे टू डे एक्टिविटी कंटिन्यू रखेंगे तो उन्हें तो उस हार्श मौसम में भी उतने ही खाने की जरूरत पड़ेगी जितना उन्हें गर्मियों के मौसम में पड़ती है। नाउ इन दैट केस, अगर उन्हें उनकी जरूरत के हिसाब से सफिशियंट फूड नहीं मिला तो कहीं ना कहीं भुखमरी का शिकार होकर उनकी मौत तक हो सकती है, और इसी चीज को अवॉइड करने के लिए मैमल्स हाइबरनेट करते हैं। अब दोस्तों, हाइबरनेशन के स्टेज में एक जानवर बस सुनसान जगह में जाकर सो नहीं जाता, बल्कि उसका मेटाबॉलिज्म भी काफी स्लो हो जाता है।
हार्ट बीट धीमी हो जाती है, बॉडी का टेम्परेचर गिर जाता है और कुछ इस तरह से उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट पहले के मुकाबले काफी ज्यादा कम हो जाता है। अब दुनिया के हर एक जीव को लिटरली हर एक काम के लिए एनर्जी बर्न करने की जरूरत पड़ती ही है। ब्लड पंप करने के लिए और डाइजेशन तक के लिए ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की नीड होती ही है, और वार्म ब्लडेड एनिमल्स की कंडीशन में तो हालात और बदतर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने शरीर को गर्म करने के लिए भी एनर्जी बर्न करनी पड़ती है। और इस एनर्जी का क्रिएशन होता है मेटाबॉलिज्म के जरिए, जो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसके थ्रू हमारी बॉडी में स्टोर्ड फूड एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब अगर कोई जानवर हाइबरनेट करता भी है तो भी उसका शरीर लगातार एनर्जी को बर्न करता रहता है, क्योंकि ब्लड पंप करने और सोने तक में शरीर को बेसिक एक्टिविटीज के लिए एनर्जी की नीड तो होती है। और हाइबरनेशन की लंबी नींद में कहीं किसी जीव के अंदर एनर्जी की कमी ना पड़ जाए, इसके लिए एनिमल्स गर्मियों के मौसम में जरूरत से ज्यादा खाना खाने लगते हैं, ताकि वो खाना उनके शरीर में स्टोर हो जाए, और फिर जब वो सर्दियों के मौसम में हाइबरनेट करे तो वही एक्स्ट्रा फूड एनर्जी में कन्वर्ट होकर उनकी हाइबरनेशन नीड को बैलेंस कर ले। अब इस प्रोसेस को हाइपरगाफिया के नाम से भी जाना जाता है, और भालुओं के केस में ये काफी ज्यादा देखने को मिलता है। अब रही बात मेटाबॉलिज्म स्लो करने की, तो ऐसा करने की वजह से वार्म ब्लडेड एनिमल्स के शरीर के अंदर लगातार बहुत ज्यादा हीट भी नहीं प्रोड्यूस हो पाती, जिस वजह से उनका बॉडी टेम्परेचर भी बहुत सिग्निफिकेंटली गिर जाता है। और कई महीनों तक बॉडी टेम्परेचर को लोअर करने के साथ साथ मेटाबॉलिज्म लेवल की घटोतरी की वजह से ही जानवर नींद में होने के बावजूद इतनी लंबी सर्दियां सर्वाइव कर ले जाते हैं और वापस से गर्मियों में अपनी डे टू डे लाइफ की शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों, इतना सब कुछ जानने के बाद आपको एहसास हुआ होगा कि हाइबरनेशन सिर्फ एक लंबी नींद होने के अलावा कितनी जटिल प्रक्रिया है, जिसके प्रिपरेशन में एक जानवर को पूरे साल व्यस्त रहना पड़ता है। मगर फिर सवाल यह आता है कि हम इंसानों को भला किस रिसोर्स की कमी है। हम जितना चाहे उतना खाना बना सकते हैं, और साथ ही साथ हम मैमल्स भी हैं। तो जब ऑलमोस्ट सभी मैमल्स हाइबरनेट करने में सक्षम होते हैं, तो ये सिनेरियो हम इंसानों के साथ क्यों नहीं है, और इसमें दिक्कत क्या है? वेल, इस डाउट के बारे में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है डॉक्टर सैंडी मार्टिन ने, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में प्रोफेसर होने के साथ साथ एक हाइबरनेशन एक्सपर्ट है। उन्होंने कहा कि आज से लाखों साल पहले हमारे पूर्वज जो टेक्निकली खुद भी मैमल्स हुआ करते थे, वो हाइबरनेट किया करते थे। डायनासोर्स के खत्म होने के बाद इसके बहुत हाई चांसेस है कि हमारे पूर्वज इसीलिए सर्वाइव कर पाए, क्योंकि वो अंडरग्राउंड हाइबरनेट करने में केपेबल थे, जिस वजह से उन्होंने लंबे समय तक रेडिएशन का एक्सपोजर अवॉइड कर लिया था। लेकिन जैसे जैसे एवोल्यूशन आगे बढ़ा, वैसे वैसे ऐसी कुछ चीजें हुई जिनकी वजह से हमने अपने पूर्वजों की ये काबिलियत खो दी। साल 2020 में की गई एक रिसर्च के हिसाब से यह अनुमान लगाया गया था कि हमारे 5 लाख साल पुराने पूर्वज हाइबरनेट करने में सामर्थ हुआ करते थे। लेकिन हाइबरनेट करने के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि हाइबरनेट करने के दौरान कोई जीव रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, जिससे कि वो आबादी के मामले में उस स्पीसीज के पीछे रह जाता है जो उस दौर में हाइबरनेट नहीं किया करती थी। नाउ सेकेंडली, चूंकि हाइबरनेशन में जानवर पूरी तरह से इनएक्टिव हो जाते हैं, इसलिए अगर उस वक्त कोई उस पर हमला कर दे तो वो अपने आप को प्रेडेटर से डिफेंड नहीं कर पाता, जो सीधा मौत से खेलने वाला नुकसान है। अब इसी डिसएडवांटेजेस को देखते हुए धीरे धीरे हमारे पूर्वजों ने जानवरों की तरह हाइबरनेट करना बंद कर दिया होगा, और ग्रेजुअली जब ये आदत हमारे पूर्वजों से छूटती रही, तो उसी का रिजल्ट ये है कि हमारी बॉडी इस तरह से प्रोग्राम हो गई है कि आज की डेट में हमें भी हाइबरनेट नहीं करना पड़ता है। अब देखो, ये रिपोर्ट हमें ये उम्मीद दिया करती है कि हो सकता है कि आज भी हमारे शरीर में उस तरह की जीन्स या फिर उस तरह की कुछ खूबियां बहुत ही इनएक्टिव तरीके से मौजूद हो, जो हमें हाइबरनेशन एक बार वापस से स्टार्ट करने में हेल्प करवा सके। और अगर हमने उन जीन्स को ढूंढकर उन्हें वापस से हाइबरनेशन के स्टेज के लिए रीप्रोग्राम कर दिया ना, तो हमारे लिए बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। अब एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कहीं कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया और सभी लोगों को एक बंकर में स्टोर करके रख दिया गया, तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है उन लोगों तक फूड और एसेंशियल चीजों की सप्लाई को लगातार पहुंचाते रहना। अब अगर रेस्क्यू करने के बाद बंकर के अंदर इंसान कुछ समय के लिए हाइबरनेट करने में केपेबल हो जाए, जब तक की परिस्थितियां ठीक नहीं हो जाती है, तो ऐसे में ना सिर्फ पैनिक की सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी, बल्कि सप्लाईज को और इजीली और एफिशिएंटली पहुंचाना पॉसिबल हो जाएगा, और जान माल का नुकसान पहले से काफी कम होगा।
अब देखो स्पेस साइंस में तो इसका सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। अब इतना तो हम सभी जानते हैं कि लाइट इस दुनिया में सबसे फास्ट ट्रैवल करती है और उससे तेज कोई भी ट्रैवल नहीं कर सकता। मगर इसका मतलब ये भी है कि अगर हमें कई लाइट ईयर्स दूर ट्रैवल करना हो तो वापस से फूड और ह्यूमन एजिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम इंटरस्टेलर ट्रैवल करने की आज की डेट में सोच भी नहीं सकते। नाउ कंसिडरिंग दिस, अगर किसी ऐसे एफिशिएंट पॉड को डेवलप करना संभव हो जाए जिसमें लेट कर हाइबरनेट करते हुए लंबे समय तक इंसान जिंदा रह सके, तो इंटरस्टेलर ट्रैवल जैसी बड़ी और मेजर प्रॉब्लम्स हमारे लिए काफी छोटी बन जाएंगी, क्योंकि हम इंसानों का लाइफ स्पैन ऐसी सिचुएशन में कोई चैलेंज रहेगा ही नहीं। जेनेटिक रीप्रोग्रामिंग करके हम लोग हाइबरनेशन की मदद से इंसानों की जिंदगी तक बढ़ा सकते हैं, और ऐसे ही सिनेरियोस को अगर ध्यान में रखा जाए तो पॉसिबिलिटीज वाकई एंडलेस हो जाती है। लेकिन दोस्तों आपके हिसाब से क्या कभी इंसान वापस से हाइबरनेशन के स्टेज को अचीव कर पाएंगे या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। लेकिन ऐसा करने पर हमें काफी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने में। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।